सो गाइस गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के बज रहे हैं 6:51 और अभी अभी पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ भाई हिमाचल से, किसी जरूरी काम की वजह से ना मेरे को भाई कल रात को हिमाचल जाना पड़ गया था और रातों रात जाके रातों रात ही वापसी करी है। एक बहुत ज़रूरी काम था मेरे ऑफिस में, भाई एक कलीग हैं तो भाई उसकी फैमिली को यहाँ पे लेके आना था और दैट्स वाई हम लोग खड़े पैर हिमाचल गए। रात को 6:30 शाम को 6:30 निकल गया था मैं और अभी बज रहे हैं 7, अभी आ रहा हूँ, बस घर पहुँचा नहीं हूँ अभी और 2-4 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई नो कि व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, इस बार थोड़ी लेट हो गया मेरे हिसाब से, मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए होंगे। हाँ, दिवाली पर डाला था मैंने, उसके बाद 2 व्लॉग पड़े हुए हैं मेरे को एडिट करने वाले मेरे पास, बट भाई टाइम नहीं मिल रहा। और सेकेंडली मेरी थोड़ी सी ना पीछे तबीयत भी बस ऐसी चल रही थी, अनबैलेंस थी थोड़ी सी और अभी भी थोड़ा सा कोल्ड है मेरे को, बट अब कोई बात नहीं, अभी ट्राई करता हूँ मैं रेगुलर ब्लॉग डालने की। और थोड़ा सा शेड्यूल भी भाई अनबैलेंस हुआ पड़ा है तो दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो रहा था ब्लॉग के अंदर, बट अभी कोशिश करता हूँ दोबारा से थोड़ा कंटिन्यू करने की। तो चलो अभी पहले घर पहुँचते हैं और 1-1.5 घंटा सोता हूँ और उसके बाद ऑफिस जाना है, उसके बाद जो डेली की रूटीन है वो। तो चलो फिलहाल घर पहुंचते हैं और उसके बाद आपको मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूं। ऐसे कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है आजकल टीवी पे, और कुछ आता नहीं है क्या? पता नहीं क्या ही कुछ चल रहा है। और एक ये नवाब है, एक इसको देखो और दूसरा ये देखो यहाँ पे पड़ा, ये सोफ़ा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते भाई ये दोनों। भूख लग गई है और ब्रेकफास्ट में है अपने पास आलू और पूड़ी और छोले। सो गाइज अब मैं आपको सीधा शाम को मिल रहा हूँ और अभी जस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया, उसके यार फादर थोड़े सीरियस हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो भाई उसका फ़ोन आया था कि उनको लेके आना है वापस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह कल शाम को मैं गया था हिमाचल, तो भाई हिमाचल ना जाने का रीज़न यही था कि इसके फादर जो हैं वो हिमाचल से उनको यहाँ पे लेके आना था उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो बस अभी जस्ट खाना वाना खा के मैं निकला हूँ और सीएम से जा रहा हूँ भाई, उनको पिक करना है और घर पे लेके आना है। अब वहाँ पे जाके देखते हैं डॉक्टरों ने क्या रिकमेंडेशन करा है क्या नहीं करा है। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है संडे और नेक्स्ट डे है, अभी अभी जस्ट उठा हूँ, 9 बज रहे हैं और रात को भाई ऐसी नींद आई ना, जैसे मैं लेटा वैसे ही इतनी अच्छी नींद आ गई ना, बड़ी थकावट हो रही थी 2 दिन की। और अभी जब छत पे आया हूँ और धूप बिल्कुल भी नहीं है भाई, आज बस धूप ही नहीं है, अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया ना तो धूप मेरे को कहीं नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल हल्की हल्की एकदम लाइट लाइट सी धूप है, बट वो वाली धूप नहीं है जो एक्चुअल में विंटर्स में होनी चाहिए। तो चलो गाइस अभी उठा हूँ जस्ट और थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ अब। और भाई आज मेरे को थोड़ा सा ना अपने थोड़ा भी ठीक करवाना है, बालों का हाल देख लो इतने बढ़ गए हैं ना, सलून के जाना है, बियर्ड बुरा हाल है, तो भाई थोड़ा थोबड़े का भी लुक ठीक करवाना पड़ेगा आज, काफ़ी टाइम हो गया और 3-4 दिन से सोच रहा हूँ मैं जाऊँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। तो चलो आज सलून के जाते हैं और जो भी बाकी के काम है वो निपटाएंगे। गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो इस पेड़ के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी फलियां लटक रही है, ये देखो दिखाता हूँ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे है, ये देखो ये पूरा पेड़ है ना भाई, ये फलियों से भरा पड़ा है, ये देखो इतनी मोटी मोटी फलियां, ये देखो ये रही
तो गाइस कहीं जाने लगा था किसी काम से, और जैसे बाइक उठाई, बाइक पंचर। तो भाई बाइक लेके आया हूँ अंकल जी के पास पंचर निकलवाने, और पहले पंचर निकलवाते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई अंकल जी पंचर निकाल रहे हैं और अभी तो चेक ही कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। बाकी मैं खड़ा हूँ मेट्रो रोड पे, ये सामने मेट्रो रोड है। मिला पंचर भाई, ये ना यहाँ पे कहीं पे पंचर हुआ है, समझ नहीं आ रहा। ये रहा, सी ये यहाँ पे हुआ है, ये देखो ये वाला पंचर है ना अंकल। ये पुराना पंचर है क्या, लीक कर गया क्या? नहीं नहीं कोई पंचर नहीं लग रहा है। अच्छा पंचर ही नहीं लग रहा था। सो गाइस शाम हो गई और अब निकला हूँ सैलून के लिए। भाई सैलून पे जा रहा हूँ और थोड़ी बियर्ड और हेयर कट करवा के आता हूँ। गाइस भीड़ देख रहे हो, ये देखो भाई गुरु पर्व है ना आज, तो लगा पे है जाम पूरा लगा पे है। सो भाई हम आए हैं गुरुद्वारा साहब दुख निवारण माथा टेकने गुरु पर्व पे, और मेरे साथ अंकल आए हैं भाई, और रश आप देख रहे हो पूरा आगे तक जाम लगा पड़ा है। बाबा जी ने सेल्फी का इंतजाम किया। सो गाइस मत्था टेक लिया और अब निकले हैं बैक साइड से, और ये गुरुद्वारे की भाई पार्किंग है बैक साइड में, आप देख सकते हो, और भीड़ देखो भाई ज़बरदस्त है, और ये पार्किंग है भाई गुरुद्वारे की। चलें गाइस, मैं हूँ इस टाइम जगराऊं पुल पे, ये देखो मेरे पीछे जगराऊं पुल है ये, और यहाँ से मैं एक बार आपको गुरुद्वारे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो नीचे यहाँ से रश देखो, एक बार सामने पार्किंग है, और ये देखो भाई गुरुद्वारे का व्यू, और ये पिंक कलर का शेड इतना प्यारा लग रहा है ना इस पर, और रश देखो नीचे।
शाम को निकलना है मेरे को दोबारा से हिमाचल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे फ्रेंड है उनके फादर आए हुए हैं, तो भाई उनको ड्रॉप करने वापस हिमाचल जाना है, क्योंकि एक्चुअली जिन उनका ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पे आए थे, बट अभी वो भाई बुजुर्ग होते हैं ना, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना करने वाली बात है। तो कल शाम को भाई उनको वापस हिमाचल छोड़ के आना है, तो कल शाम को हिमाचल निकलूँगा। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा। और अब भाई ट्राई करूँगा कि जैसे पहले कंटिन्यू व्लॉग आते थे वैसे ही दोबारा से कंटिन्यू व्लॉग डालूँ मैं। बीच में थोड़ा सा हेल्थ भी यार अनबैलेंस हो गई थी, और यू नो थोड़ा सा शेड्यूल भी सेट नहीं बैठ रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम निकल गया, 10-12 दिन निकल गए भाई व्लॉग बनाए को। तो लेट्स ट्राई कि अब ट्राई करता हूँ दोबारा से उसी रूटीन में उसी फ्लो के अंदर वापस आ सकूँ। तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सो दैट के थोड़ा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। और काफ़ी कम टाइम में भाई काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया है, ऐसी बात नहीं है। 0 थे मेरे सब्सक्राइबर्स और अभी 159-158 हैं, तो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ही है। और इस वैल्यू को, इस नंबर्स को हमने बहुत आगे तक लेके जाना है, मेरी यही कोशिश है, इसीलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया है। बाकी जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगेन आई एम सेइंग कि आपकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ किसी और नए व्लॉग के अंदर। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।